हैं यहाँ दुर्घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही। किसी प्रकार की दुर्घटना से हमें बचने के लिए पूर्ण सावधानी की बहुत आवश्यकता है। 100 में से 80% दुर्घटनाएं रोड से संबंधित हो रही है, सड़क से संबंधित। अब देखिए, हमारी थोड़ी सी लापरवाही से हमारी जान जा सकती है, हमारी थोड़ी सी सावधानी से हमारे जीवन को बचाया जा सकता है। तो जीवन के अंदर आपको रोड सेफ्टी के बारे में बहुत जानकारी होनी जरूरी है। रोड सेफ्टी के माध्यम से आप न केवल अपना बल्कि दूसरे का जीवन भी बचा सकते हो। आप इस प्रकार के नियमों का पालन करके एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकते हो, एक देश के अच्छे नागरिक बनने का परिचय दे सकते हो और यहां तक कि भयंकर जनहानि से भी बच सकते हो। आप 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा रोड सेफ्टी का ये एक अलग टॉपिक दिया गया है, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य है। रोड सेफ्टी के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, न केवल एग्जाम में बल्कि आपके जीवन में भी। सबसे पहले आपके एग्जाम में किस प्रकार से आएंगे, उन्हीं से आपको लाइफ में सीख मिलेगी। आपके रोड सेफ्टी से संबंधित टॉपिक है जो 4 नंबर का आएगा, जो 4 नंबर का एक टॉपिक है आपके रोड सेफ्टी से संबंधित पूछा जाएगा। और रोड सेफ्टी के अंतर्गत भी आपको कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, सबसे पहले एक पोस्टर अपने को तैयार करना होगा रोड सेफ्टी से संबंधित। फिर उसके बाद में अपने को स्पीच भी पूछा जा सकता है, भाषण देना है हमें रोड सेफ्टी पर। उसके बाद में हमें एक पैराग्राफ भी तैयार करने कहा जा सकता है कि भाई आपको जैसे मान लो ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताते हुए, या सेफ ड्राइविंग के बारे में बताते हुए, या कार पूलिंग के बारे में बताते हुए, या ट्रैफिक के जो अपने वो लाइसेंस जारी किया जाता है उसके लिए हमें क्या क्या करना होता है, उसके बारे में भी जानकारी देनी पड़ सकती है। चौथे अपने क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे जो ट्रैफिक रूल से संबंधित होंगे, हमें याद तक कि हमें उनके सांकेतिक चिन्हों के बारे में पूछे जा सकते हैं, जिनके सांकेतिक चिन्ह होते हैं ना, जैसे कि यहाँ उजागर किए गए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ क्लास के विद्यार्थियों को जिन्होंने ये तैयार किया है, वाकई बहुत ही प्रशंसनीय कार्य रहा है। जिस किसी विद्यार्थी ने ये तैयार किया है वाकई बहुत ही प्रशंसनीय योग्य है। अब इन यातायात संकेतों के अंदर बताया गया है कि कौन कौन से संकेत है हमारे, उन संकेतों के माध्यम से हमें ड्राइव करने में बड़ी आसानी होगी। वास्तव में 10वीं क्लास के विद्यार्थी बड़े तारीफ के काबिल है कि उन्होंने यातायात संकेत के नियम तैयार किए हैं। यहाँ पे संकेतों के माध्यम से हमें एक अच्छी योजना प्राप्त हो सकती है। बाकी इन सांकेतिक चिन्हों का जीवन के अंदर बहुत महत्व है, न केवल हमें यहां बल्कि बाहर भी। आपको भाई देवे मौका मिले विदेश में जाने का, विदेश में आपको ड्राइविंग करनी पड़े तो आपको इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे, आपको पहले से ट्रेन होना पड़ेगा इसके प्रति। बहुत ही अच्छा कार्य है। अब देखिए, जैसे अपने को पोस्टर तैयार करना है, अगर रोड सेफ्टी पर अगर अपने को पोस्टर तैयार करना है, अधिकांश क्या अपने को जागरूकता फैलाने के लिए लोगों में पोस्टर तैयार किए जाते हैं, क्योंकि लोगों को अपन जागरूक करेंगे से बैनर तैयार किए जाते हैं, है ना, पोस्टर तैयार किए जाते हैं और वो पोस्टर अपने को जगह जगह लगाने होते हैं ताकि आवाम को, वहां की आवाम को, वहां की जनता को इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो देखिए, जिसे मान लो प्रश्न इस प्रकार से आता है, प्रिपेयर ए पोस्टर, एक पोस्टर तैयार कीजिए हाईलाइटिंग, उजागर करते हुए या समझाते हुए ऑफ सेफ ड्राइविंग, कि आप सुरक्षित यात्रा कैसे करें, सुरक्षित यात्रा करने के आपको नियम बताने, किस प्रकार सुरक्षित यात्रा की जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस पोस्टर को बनाने में आपको एक अच्छा सा फॉर्मेट बनाना है। इस प्रकार
कोर्स बना, आपने फॉर्मेट बना लिया। एक फॉर्मेट बनाने के बाद ऊपर सबसे अट्रैक्टिव एक कोटेशन लिखें। कोटेशन जो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे हमें अगले को पढ़ते ही लगे कि वाकई बहुत ही अच्छा बनाया गया है। पोस्टर के अंदर बहुत ही आकर्षक सुझाव भरे तथ्यात्मक समावेश बहुत अनिवार्य है। अब जैसे अपन ने लिख दिया यहां पर सेफ ड्राइव, सेफ पीपल, ये आपको बड़े अक्षरों में उभरते हुए अक्षरों में लिखना है, बड़े अक्षरों में और उभरते हुए अक्षरों में लिखना है। सेफ ड्राइव, सेफ पीपल, सुरक्षित चलाएं, सुरक्षित रखें लोगों को। इस प्रकार अपन ने कोटेशन बना दिया। अब अपने को क्या है कि इधर भी एक अट्रैक्टिव और इधर भी एक अट्रैक्टिव कोटेशन लिख देना है। इस प्रकार से आपको पहले बना लेना है। इस प्रकार का आपको बना लेना पहले। अपने को इसमें लिखना है ड्राइव स्लो, धीमा चलाएं, ड्राइव स्लो धीमा चलाएं। और आपको इधर लिखना है कीप डिस्टेंस, दूरी बनाए रखें। कीप डिस्टेंस, दूरी बनाए रखें, धीरे चले। ऐसा नहीं है कि आपको गाड़ी चल रही है और उसके बिल्कुल जस्ट पीछे चल रहे, हो सकता है अगला सामने कुछ आ जाए, ब्रेक लगा दे तो हमारी गाड़ी उससे टक्कर खा सकती है। तो इसलिए हमें एक निश्चित दूरी बनाकर चलना है वाहन से, ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। अब आपने इस प्रकार से कोटेशन बना दिए, बहुत ही अच्छे बनाए आपने। अगर आप में सुझाव लिखते हैं इसके अंदर, अब आपको देखिए इसके अंदर ये है, क्या आपको बताएं? कौन बता सकता है क्या है ये? ट्रैफिक लाइट्स। क्या है? ट्रैफिक लाइट्स। हमेशा ध्यान दे, अगर आप चित्र बना रहे हैं तो उसमें पेंसिल का प्रयोग करना है। पोस्टर बनाते समय आपको चित्र पेंसिल से ही बनाना है। और इस प्रकार महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ ध्यान अंकित करने के लिए एक आकर्षक चिन्ह बनाए। इसका तात्पर्य यह है कि इन बिंदुओं पर बहुत ध्यान, महत्वपूर्ण ध्यान देना है। जैसे हम बताते हैं इन बिंदुओं पर ध्यान दें, तो इस प्रकार का आप एक निशान बनाए। अब देखिए इसमें अपने को लिखना है डूज, और इधर लिखने हैं डॉन्ट। जो अपने को करने हैं और इधर अपने को नहीं करने। अब जो इधर करने हैं अपने कार्य, उनको नकारात्मक भाव प्रदर्शित कर दिए इधर, ठीक है? तो आपको बिंदु बनाने ऐसे, आपको नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं लिखने, आपको सिर्फ ऐसे अंकित करते हुए, समझ गए? आपको सबसे पहला पॉइंट लिखना है ड्राइव विथ रीजनेबल स्पीड, ड्राइव विथ रीजनेबल स्पीड।
स्पीड यानी उचित गति से चलाएं, आपकी गति जो है वो उचित होनी चाहिए। अब डोंट में क्या करना है, अपने को करना क्या नहीं है, डोंट ड्राइव फास्ट, डोंट ड्राइव फास्ट। इधर अपने को उचित गति से चलाना है, ये तो हमें करना है, और इधर अपने को नहीं करना है, डोंट ड्राइव फास्ट, तेज गति से ना चले। दूसरा, अवॉइड विथ एल्कोहल, एल्कोहल से बचे, यानी ड्राइव करते समय अपने को एल्कोहल से बचना है, समझ गए। इधर लिखना है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, शराब पीकर वाहन ना चलाएं, डोंट ड्रिंक ड्राइव, आपको शराब पीकर वाहन नहीं चलाना है। तीसरा पॉइंट लिखना है अपने को, ऑलवेज वियर सीट बेल्ट, हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करें, समझ गए, ऑलवेज वियर सीट बेल्ट। और इधर अपने को नहीं करना है, डोंट गो इन वन वे, वन वे में कभी नहीं जाना है। वन वे मतलब अपने क्या होता है कि अपन चलाते हैं तो क्या सिर्फ मतलब उसके अंदर एक ही रास्ता होता है जिसके अंदर आने का होता है, आने का अलग होता है, जिसमें से गाड़ी की ओर आती आती है और एक जाने का अलग होता है, तो वन वे में कभी आप प्रवेश ना करें, ध्यान रखना मार्ग जो है वो वन वे में कभी प्रवेश ना करें बारी वाल। तो आप इन पॉइंटों का प्रयोग करें जो आपको करने हैं और इधर नहीं करने हैं। अब आपको ये सब चीजें बताता कौन है, ये अपने को लिखना है, जारी करता का नाम इसमें इश्यूड बाय, इश्यूड बाय यानी जारी करता, यानी पोस्ट किसके द्वारा जारी किया जा रहा है, अपने को इसके अंदर नीचे लिखना है। जैसे मान लो किसी का नाम लिखना है, जैसे मान लो इधर नाम लिख दिया रमेश शर्मा, रमेश शर्मा नाम लिख दिया गया, आरटीओ, समझ गए, राजस्थान गवर्नमेंट जयपुर, और आपको इसको नीचे से फॉर्मेट में बंद कर देना है वापस। यानी आरटीओ ने आपको ये सब चीजें बताई है, इसलिए एक पोस्ट तैयार किया गया है कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है अधिक महत्वपूर्ण तरीके से। आप इस प्रकार पोस्ट तैयार करके आप न केवल अपने बल्कि बाकी अन्य लोगों का जीवन भी बचा सकते हैं और बहुत सारी दुर्घटना होने से रोक सकते हैं। ये आपके लिए विशेष बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थी लाइफ के अंदर ये बहुत ही आवश्यक है जानना, अगर हम ये सब अभी से जानने लग जाएंगे तो भविष्य में हमें भारी दुर्घटनाओं से बचने में सहायता प्राप्त होगी, और यहाँ तक कि हम अपने सहपाठियों को, अपने रिश्तेदारों को भी इन चीजों के बारे में समझा सकेंगे। इसलिए आज से ही आप इनका पालन अभी से शुरू कर दें,
और अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को जागरूक करें कि आपको ये चीजें ड्राइव करते समय ध्यान रखनी है। क्योंकि 100 में से मान लो 80% पेरेंट्स तो मान लो पढ़े लिखे हैं, मान लो 20% ऐसे पेरेंट्स हैं जो अभी अनपढ़ हैं और उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उनको अपने पेरेंट्स को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि अनपढ़ है तो क्या वो गाड़ी नहीं चला सकते? चला सकते हैं, लेकिन उनको उन ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने कभी वो सीखे ही नहीं। तो ट्रैफिक रूल्स भी आपको उन्हें बताने हैं कि इस प्रकार से आपको ड्राइव करना है और इस प्रकार अपने आप को सेव रखना है, क्योंकि परिवार वालों का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी का जीवन ही अमूल्य है। ऐसी लापरवाही करके आप अपने जीवन को जोखिम में न डालें और न अपने परिवार वालों को जोखिम में डालें। इस प्रकार आप देख सकते हैं। और इसके बारे में अगला जो वीडियो है वो अगली बार आपको जरूर पेश किया जाएगा, आपको स्पीच बता दें।